खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज मऊ। तहलका न्यूज मऊ, तहलका न्यूज मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। जारी हुआ है और आप एक किसान हैं, क्या कहेंगे? ये बजट तो किसानों के हित में कई बिंदु है, उसमें पहला बिंदु है मछली पालन, पशुपालन है, मिट्टी का सुधार है, स्वास्थ्य का, हाँ, और पशुओं का रोग भगाने के लिए है। ये कई प्रावधान किए गए हैं, अच्छा है बजट है, लेकिन इसको जमीन पर जब तक नहीं आएगा, किसान को जब तक जमीन पर नहीं आएगा, गांव पर नहीं आएगा, किसान के खेत खलिहान तक नहीं जाएगा, तब तक इस बजट कोई लाभ नहीं है। तो बजट बढ़िया। और दूसरी चीज़, हम चाहते थे कि इस बजट में, इस बार जिसे पिछली बार के बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया 500 रुपया, पहले बार डायरेक्ट किसान के हाथ में पैसा सरकार ने दिया। हम चाहते थे कि उसको और बढ़ा करके 1,500 रुपया महीना कर देना चाहिए था। अब कितना आता? अब 18,000 रुपया सालाना आता, 18,000 रुपया सीधे किसान के पॉकेट में जब पैसा आता भारत सरकार का, तो उसे किसान खाद डालता, अच्छा बीज का प्रयोग करता, इसमें अच्छी खाद डालता, दवाई का प्रयोग करता और अच्छा उत्पादन करता और देश आगे बढ़ता। कुल मिला के आप बजट से आप रूप से संतुष्ट हैं? हाँ, बजट संतुष्ट है, उसको जमीनी स्तर पर लाने की जरूरत है, यही हो सकता है। भूतपूर्व सैनिक हैं, अभी जो बजट आया है इससे काफ़ी लोग संतुष्ट हैं और किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी इससे, बशर्ते कि किसानों तक पहुँचे। अच्छा, ये बजट से पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हैं? एक किसान, एक सैनिक होते हुए और एक किसान होते हुए भी आप ये जो बजट भाजपा सरकार ने की है तो आप संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से? जी, संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा बजट है। अच्छा, बजट है किसानों के हित में। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। ये बजट जो पेश हुआ है इस पर पूरा करीब करीब संतुष्टि है, लेकिन अच्छा बजट है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बजट चुनाव के दृष्टिकोण से काफ़ी लुभावना हो या फिर? नहीं, चुनाव अपनी जगह पर है, बजट पेश होना है और कार्यक्रम का वो सब करना है, अलग बात है। अच्छा, ये बजट से आप पूर्ण संतुष्ट हैं? बजट जो है कुछ किसानों के लिए निराशाजनक है यार। हाँ, क्या नाम है आपका? पर्ची आपने बताया? हम बच्चन यादव के बच्चे, इनके बारे में बताइए। हाँ हाँ, वो आज बजट पेश हुआ है। हाँ। और बजट के बारे में क्या कहेंगे आप? बजट तो हमेशा हर मार्च में फरवरी में पेश हो जाता है, केवल लोकसभा विधानसभा के कार्रवाई के भीतर रह जाता है, बाहर कोई प्रक्रिया नज़र नहीं आ रही है। आपको बताऊंगी, मेरे ज़िले में किसान बीमा योजना बहुत पहले से लागू है, KCC लोन लेते हैं उस पर किसान बीमा योजना कट जाता है बाई ऑर्डर। आज जब अभी विपत पड़ी है, जब अभी दबी आपदा आई है, उसका लाभ आज तक किसी किसान को मिला ही नहीं। कंपनी का कोई है नहीं, ऑफिस है नहीं, हम क्लेम कर सकते हैं ना, उनको आज तक देखे हैं। बैंक से बैंक काट करके वहाँ भेज दिया जाता है बॉम्बे, और फिर बॉम्बे से आते हैं 2-4 करोड़ खर्चा करके, लिपापोती करके चले जाते हैं। इस बजट से कितना संतुष्ट है? इस बजट से एकदम संतुष्ट नहीं है। बजट फिर अगले फरवरी में ऐसा ही आपको नजर आएगा जैसे आ जाए। ये लुभावना है बजट? लुभावना है, कह रहे हैं आप कि दूध जो है ट्रेन से भेजेंगे। अरे दूध हवाई जहाज से भेजे ना, लेकिन जब सब गाय और भैंस पूरी जो मारी मारी घूम रही है खेतों में, तो दूध कहाँ से पैदा होगा? क्यों नहीं, बजट में दिया गया है कि जो किसान दुधारू पशु रखते हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनके नाद बनाएंगे, उनको चारा दिलाएंगे, उनको जो है हम किसान के तौर पर जो सम्मान राशि देंगे। आज जितने पशु घूम रहे हैं, जितने गाय घूम रही हैं, सब लोग दराज बांध कर खिलाने लगेंगे। अगर सरकार के पास इतनी क्षमता है तो इन आवारा पशुओं पर पहले कंट्रोल करें, जिससे हम किसानों को रात भर तो हट हट करेंगे। गाय भैंस पूरा चर जा रही हैं। आप ही बताओ, घूम जाओ कहीं केराव आ, कहीं रोहर बाका क्षेत्र में, रोहर सब चर गई, केराव खा गई, अब गेहूँ पर नंबर है, उनका पेट जा रहा तो खाएंगे ही, तो इनको प्रोत्साहित करें ना जानवरों को। इस बजट में इस टाइप का कोई नहीं आया कि जानवरों को प्रोत्साहित करें, आप जानवर रखें हम आपको प्रोत्साहन देंगे, जिससे कि जो है फसलों की सुरक्षा हो और दूध की बढ़ोतरी हो, और हवाई जहाज से नहीं, गंगा जी में जो डैम से जा दूध। ये लॉलीपॉप है? ये लॉलीपॉप है। बोले, आज बजट पेश हुआ है, बजट के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा नाम ललन सिंह। बजट तो
दिखाने के लिए हर साल आता है जाता है, लेकिन तो इस साल जो बजट हुआ है इसमें थोड़ा सा हल्का सा बढ़ोतरी, लेकिन उस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं है, इससे जो है कोई किसान को लाभ नहीं होगा, किसानों को काफी लाभ नहीं होगा इससे। दिखाने के लिए क्यों इसे, ये लॉलीपॉप तो आता ही नहीं, ये लॉलीपॉप है सरकार की एकदम। 12-11 बजे घर से आऊंगा। हम लोग जो है क्या नाम है कि ये बीमा कंपनी वाला जो भाई साहब बताए हैं वो ओरिजिनलिटी है, हर मीटिंग में रहते हैं। कोई बीमा कंपनी आज तक जो है क्या नाम है कि पेमेंट नहीं किया किसी भी आपदे का पैसा, कोई पैसा नहीं मिला। किसान पूरी तरह से त्रस्त है, त्रस्त है।